चेंजेस वीज़ा सिस्टम दे विच आई हैं। रिजल्ट्स हर रोज आते हैं, वीज़े लगते भी है, वीज़े रिफ्यूज भी होते हैं। अज का की माहौल है, अज की हालात चल रहे ने? पिछले 2 महीनों के जो रिजल्ट ने बहुत ज़्यादा नैगेटिव ने। चंगे बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज हो रहा, हूँ जोड़े लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने रिफ्यूजल मिल जाता है, जो दूसरी तीसरी बार अप्लाई करते हैं उन्होंने वीज़ा मिल जाता। जो थोड़े नाल भी कुछ इदा का हो रहा वा तो टेंशन ना लो, क्योंकि सारिया के नाल ही सिस्टम बनया था इदा कि चिनोक द्वारा वीज़े रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं। कोई भी एजेंट तुहानू प्रडिक्ट नहीं कर सकता कि तेरा वीज़ा किन्ने परसेंट आना तो किन्ने परसेंट नहीं आना। लोड़ हैगी है हुण एजुकेशन वल तुरन की, माइग्रेशन नू घटाना पैना। सानू सारयां नू पता असी की करन चले हाँ, कैनेडा असी काम करन चले हाँ, असी PR लैन चले हाँ, पढ़न तो असी बिल्कुल नहीं चले। हाँ असी पढ़ाई दे वीजे ते चले हाँ, जे बहस कर लांगे तो असी कह देंगे हाँ असी पढ़ना है, साडे कोल माँ बाप कोल पैसे है, असी पढ़न ही चले हाँ, साडा वीज़ा रिफ्यूज़ करता, की रिसर्च कीती असी पढ़न वास्ते, साडे रिश्तेदार, साडा भाईचारा, साडे भैण भरा हर रोज़ कनेडा जा रहे ने, असी भी कनेडा जाना है, पहुँचना है, जिदा मर्जी पहुँचा दिओ, स्टडी वीज़े ते पहुँचा दिओ, वर्क परमिट ते पहुँचा दिओ, LMI लै दिओ, फैमिली वीज़ा लवा दिओ, कई तरीकों के वीज़े ने, हर किसी ने पहुँचना वै किसी तरीके ला दिओ। उत्थे विजिटर वीज़ा, जे मैं अपने रिजल्ट की गल करा पिछले 2 महीनों के, एक फाइल असी 12 अक्तूबर जमा कराई है, 28 अक्तूबर वो बायोमैट्रिक होए, 29 अक्तूबर वीज़ा आ गया। किन्ने दिन लगे? शायद मुश्किल नाल 20 दिन लगे होने, 18-19-20 दिन के अज मैसी वालों वीज़े दिते जा रहे हैं। एक समा हुंदा जदों ओपन वर्क परमिट मिलता, एक समा हुंदा जदों स्टडी वीज़े तेज़ हो जाते, एक समा हुंदा जदों विजिटर वीज़ा तेज़ हो जाता। हालात की ने? हालात यह है भी उन्होंने भी नहीं समझ लगती भी कि किनू वीज़ा देना तो किनू नहीं देना। कितने SDS च वीज़ा आ जाता, कितने नॉन SDS च रिफ्यूज़ हो जाता, कितने नॉन SDS च आ जाता तो SDS च रिफ्यूज़ हो जाता। हजे पुरानिया रिफ्यूजलों असी भुलते ही नहीं, इन्नी नूं अनाउंसमेंट हो जाती है जी स्टूडेंट नूं फुल टाइम वर्क राइट दे दिते गए। क्यों दे दिते गए? क्योंकि आस्ट्रेलिया वाले ने दिते सी। आस्ट्रेलिया ने कहता कि साढ़े को जिन्हें भी इंटरनेशनल स्टूडेंट काम करते हैं उन्होंने सारियां अनलिमिटेड टाइम लई काम करने की परमिशन दे दी जाए। क्यों जी? उदों GT कित्थे जाती है? उदों आस्ट्रेलियन यूनीवर्सिटी की GT कित्थे जाती है? जदों तुसी कह देंदे जे कि भाई सारे जने काम कर लो, क्यों काम कर लेने? ये फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट ने, यह तो जेन्युइन स्टूडेंट ही नहीं है, इन्हों तो ये कह के रिफ्यूज़ कर देंगे, तुम वापस नहीं आना। इदा का ही हूँ कनेडा अनाउंसमेंट आ जाती है। की आती है कि एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिहड़ा भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कैनेडा दे विच पढ़ाई कर रहा है उन्होंने 20 घंटे काम करना अलाउड हुंदा सी, हुण उह जिन्ना टाइम चाहे काम कर सकता है। क्यों जी? क्योंकि सस्ती लेबर है, मजदूर सस्ते ने, अपने अपने घर बनवा लो, घट पैसे देने पैने हैं क्योंकि मिनीम वेज रेट से लोग काम करते पे ने। जदों बंदे चाहिए है उदों अनलिमिटेड वर्क राइट्स दे दिओ, जदों रिफ्यूजल करनी है उदों कह दिओ वापस नहीं आना। तुसीं तुहाडे नाल भी होया ना इदां वी, कोई सिर पैर तां होवे ना जी। दुनिया च कानून बनते हैं, लिखित चीज़ लिखी जाती है। अज कनेडा दे स्टडी वीज़े च क्लीयर क्लीयर लिखिया है कि IELTS नहीं चाहिए। 2 कैटेगरियां SDS और जनरल। SDS कहती है सानू 6 बैंड ईच लिया तो तेरा वीज़ा जल्दी लावांगे, ये नहीं कहते ला देंगे। जनरल दे विच तां IELTS मंगते ही नहीं, तो साडी जनता का रिफ्यूज़ करी जाते, कहते जी वापस नहीं आना। तो भी कहा ना इन्होंने तुसी वापस नहीं आना। ये खुशी मनाते रहे हर साल।
दशहरे ते मुहर्रम ते क्रिसमस ते बधाइया सारे इंडियंस नू क्यों जी जदों साढ़े वीजे रिफ्यूज करने होंगे उदों अज की किया जा रहा कि तुसी वापस नहीं आना। कल रात दोबारा अनाउंसमेंट करती कि असी 2023 च 5 लाख बंदा पक्का करांगे। तुसी एक पासे कह रहे हो कि तुसी वापस नहीं आना, दूजे पासे तुसी कह रहे हो असी 5 लाख लोगों नू सिटीजनशिप देवांगे। 5 लाख कित्थों आना है? ये चंद्रमा तो नहीं आना, ये धरती तो ही गया है। 5 लाख जिन्हों तुसी पक्के करना है, ये कौन ने लोग? ये उही स्टूडेंट ने बेचारे जिन्हां दे तुसी दो दो चार चार वार वीजे रिफ्यूज कर देंदे हो। अज उन्हां लोगों नू फुल टाइम वर्क राइट्स दे रहे हो, जो दुकान ते रश ज़्यादा हुंदा ना उदों दुकानदार काका नू धक्के मारदा, तो जो कोई आना बंद कर दिंदा फिर सेल ला दिंदा कि आ जाओ जी लग गई जी सेल लग गई, एक नाल एक फ्री, कदे एक नाल अद्धा फ्री। की हो रहा अज? चंगे बच्चे का वीजा रिफ्यूज करता, माड़े नू कहता तेनू फुल टाइम वर्क राइट्स देंगे, 5 लाख लोगों नू अगले साल पक्के करांगे। कि मामला गर्म रखा जाए, कि ठंड ना पै जाए, कि दुनिया कनेडा जाना हट ना जाए, कोई ना कोई 15-20 दिन महीने बाद कोई ना कोई छुरली लाई हती लाई छड़ दे लगो। हुण की छुरली छड़ी गई कल कि 5 लाख लोगों नू पक्के करांगे? ये 5 लाख लोग यूक्रेन तो जाणगे, अफगानिस्तान तो जाणगे, या भारत तो जाणगे? भारत वाले नू आपां कहिंदे वापस नहीं आना, 20 लाख रुपया भरा लिया तुसी। एक स्टूडेंट बेचारा दुखी होया था, उन्हें समझ नहीं लगती की करा। वो कहिंदा सर फलाने एजेंट ने ना मेरा 5 लाख रुपया खा लिया। मैं फिर लाड़ो देना जाके जाके लै गया पैसे? कहिंदा नहीं जी असीं लड़ भी नहीं सकते, जे लड़ांगे केस दर्ज होएगा, तो केस दर्ज होएगा मुड़ के बाहर नहीं जा पावांगे। गरीब तो इस करके नहीं किसी नाल लड़ता कि लड़ाई लड़न नूं भी तो राशन चाहिए, वह भी नहीं है। सो हालात की ने कि तुसी डॉक्टर कोल जांदे जे कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दिओ, तो डॉक्टर साहब नूं आप नूं नहीं पता बीमारी की है, तो फिर डॉक्टर साहब की करूगे? उत्थे हौसला दे सकदे आ, उही काम असी लोग करते हैं। एक कंसल्टेंट की करता कि लिया भाई नहीं लगा लिया तेरा दोबारा अप्लाई कर दिंदे आ। वह भाई पहला ये तो दस दौ भी रिफ्यूज़ होया क्यों है? साढ़े भी होंगे रोज़ लोगों के भी होंगे आ, जड़ते तो पहुँच जाओ। तुसी किहदे कोलों सिखदे हो, किनू फॉलो करते हो? लग गया लग गया, यदा भी लग गया, वह भी लग गया, वह भी लग गया। वो भाई जिन्हें नहीं लगे उन्होंने देखो पहला। तुसी किसी यहोजे बंदे को सलाह लो जिदा वीजा नहीं लगा, जिहड़ा वीजा रिफ्यूजल तो बाद कनेडा गया। पहली बारी तो किसी ने भी पता तुहाडे 90% नंबर है, तुसी चंगी यूनीवर्सिटी चले जे, पैसे भराए आ माँ प्यो को, पैसे आ वीजा लग गया। हुण जिहदा नहीं लगा बेचारा करे की, कित्थे जावे, कित्थे टक्करां मारे जाके? जो लग गया उन्होंने तो लगता भी हाँ भी मेरे तो सियाना कोई नहीं। जो लग जाता वह कहता जी जंट माड़ा सी, क्यों समझ ही नहीं सी, सौदा लैन तो दवा डॉक्टर को ही जाना ना जी। बीमार है डॉक्टर साहब को गए, डॉक्टर साहब ने टीका लाया, गल बनी नहीं बनी, बन गई तो जय जयकार, नहीं लगा तो फिर आई मेरे को। मेरे वीर जिन्हें क जने भी तुम इस टाइम नाल जुड़े हुए हो लाइव, सानू वह बंदा संपर्क करो जिहदा काम नहीं होया, हार नहीं देंगे तुहानूं, जितावांगे। जिंदगी जितना सिखिया सिर्फ जितते हाँ असी जां सिखते हाँ, हारते नहीं कदी भी, हारना नहीं। तुसी जिस दिन तुसी हार मान ली वो तुहाडी जिंदगी दा आखरी दिन होएगा। जिस दिन तुहानूं इह लगन लग पिया ना कि मेरा वीजा नहीं लगना, उस तो बाद दुनिया की ताकत नहीं कोई थोड़ा वीजा लवा जाए। अंधकार जीओगे जी, हौसला चढ़ता चढ़ते सूरज नू सलामा होनी है दोस्तों। खड़ जो मैदान दे विच, की हुंदा जो वीजा नहीं लगता? वीजा रिफ्यूजल एक बीमारी है, बीमारी डिजीज, इट इज़ अ डिजीज, यू हैव टू क्योर इट। दवाई लेनी है, बुखार चढ़िया
रोल पिटर नहीं पाने, नहीं काम होया, चेक कराओ, थर्मामीटर लाओ, देखो बुखार किन्ना, ब्लड टेस्ट कराओ, देखो किहड़े ब्लड दे सैल घट ने, शुगर किन्नी चढ़ी है, बीपी किन्ना, रोल पिटर नहीं बह जाना, सेवा नहीं करी दी। जे कोई डॉक्टर जवाब दे दिंदा हाथ पैर मारी दे, पता नहीं कि शक्ति ने दोबारा जंद जींदा कर देना बंदा तुहाडा। तुसी गरीब हो अमीर हो तुहाडे काम नहीं होया, इत्थे गरीबी अमीरी नहीं चलती, इत्थे हौसला चलता। गरीब बंदे च भी हौसला होंदा ना, वह भी ज़्यादा टाइम कढ जांदा, अमीर बंदा हौसला हार जांदा, हार्ट अटैक नाल ही मर जांदा। हार्ट अटैक, दिल का फेल हो जाना, किनू दौरा पैंदा? कभी सुनिया किसी मजदूर नू हार्ट अटैक होया होवे? हार्ट अटैक गरीब बंदे नू कभी नहीं हुंदा, अमीर बंदे नू हुंदा। दुखी हो तुसी, तुहाडा काम नहीं होया, असीं करावांगे, क्योंकि दुकानदारी यही काम ही यही है। सवेरे शाम सवेरे तेल चढ़दा, ये नहीं चैक करते असीं भाई किहदा किहदा आया, ये दसो किहदा रिफ्यूज़ होया, लो देखिए क्यों रिफ्यूज़ होया। कोई भी जा सकता, कोई भी जा सकता, कोई भी जा सकता, जिसने इस धरती से जन्म लिया वह बाहर जा सकता, जिन्हों लगता मैं नहीं जा सकता फिर वो कभी भी नहीं जा सकता। किताब पढ़े हो एक सीक्रेट, द सीक्रेट एक किताब है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ते लिखी है, जो तुसी सोचते हो तुहाडे नाल हुंदा, जे की सोचते पे हो रिफ्यूजल आ जानी, ला लो जो रिफ्यूजल ही आऊगी फिर नहीं आता वीजा। पॉजिटिव सोचांगे, पॉजिटिव होएगा, तुसी जदों भी केस अप्लाई करोगे की होएगा, नहीं लगेगा दोबारा अप्लाई कर लेंगे। उस दिन तुसी हार जाना जिदन तुसी हार मननी है, नहीं तो की होना, तुसी तो सिखते पे हो यार। मैं इमानदार हाँ अपने काम के नाल, मैनू पता मैं काम किदां करना, थोड़ा जिदा का भी केस है 40% नंबर है थोड़े, बैंड नहीं आ रहे, हल हैगा वह, अज नहीं जाऊँगे दो चार छे महीनों चल जाऊँगे, छे महीने लगते प्रोफाइल बनाने, प्रोफाइल दोबारा बन जूगी। विजिटर वीजा लवाना तुसी, कोई भैन भरा रहा कोई स्पोंसर मंगाओ। बहुत सारे लोगों वह यंग लोगों के वीजे नहीं लगते, हाँ नहीं लगते, बट लगते भी उन्होंने लगते हैं जिन्होंने को कागज़ होंगे, कागज़ नहीं है कागज़ बना लो, रोटी तो खाते ही हो ना, कारोबार से कितों तो इनकम आती है, जस्टिफाई करना कि तुम वापस आओगे। अजक जिन्हें भैन भरा पहला ही उत्थे ने उन्होंने वीजे रिफ्यूज़ हो जा रहे हैं। जो थोड़ा कोई सका भैन भरा कनेडा चल रही रह रहा और तुम फाइल लाई है तो तैयार रहो, वीजा रिफ्यूज़ होना थोड़ा, तो तुम्हें बड़ा भुलेखा है, तुम हक समझी बैठे जे कनेडा को आपका कि नहीं नहीं मेरी भैन तो उत्तर पढ़ती भी मैंने तो वीजा मिलना ही मिलना, उन्होंने सौखा मिल गया सी, थोड़ा रिफ्यूज़ होना है, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स ने जोड़े नवे चैक किए जा रहे हैं। मौसम का हाल उ दसेगा जोड़ा कल रात भिज गया है, जिन्हें सवेरे धुंद च ट्रैवल किया वो दसेगा तुम्हें ठंड कि पैंती रात को, जिन्हें उठना ही सवेरे 10 बजे आया उन्होंने की पता सवेरे धुंद कि पैंती कि नहीं पैंती। साडा दिन वीजिया चढ़ता है, साडी रात वीजिया पैंती है। जिहड़ा काम तुसी करते हो मास्टर हो, तुहानू पता कणक झोना किदां लाईदा, किदां आलू बीजी दे आ, किदां फसल वढ़ी दी आ, बीजा लाना साडा काम है। ये दुकान मैं कोई अज नहीं खोली, हजारां लखां लोग तुसी लोग सानू फॉलो करते जे, अज 15वां साल चल रहा साडे कारोबार नू, साल 2008 च शुरू किया सी दिसंबर च, 14-15 साल की मेहनत है, हजारां लोगों के काम कराए ने, तुहानू कुछ समझ लगता जरूर आयो साडे को, तुहानू लगता तुहाडा वीजा नहीं लगना, ना भाई मैं नहीं लवाया किसी का भी, कभी जिहदा लगता वह आपके कागजां ते लगता, आपकी किस्मत ते लगता,
ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਹੀ। ਮਿਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਮਗਰ 10 ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 90 ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ 100 ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰਿਫਾਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ ਆਪਦੇ, ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਜਨਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਹੋਣੀ ਸਵੇਰੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਹਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਇਓ ਕਿਸੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬੱਚਾ, 90 ਦਿਨ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ 90 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 5-7-10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 50,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, 2, 4, 5 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਡਿਟੇਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।